हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति प्रकाश राउत राय और आज हम करंट अफेयर्स डिस्कशन करने वाले हैं कौन से डेट से लेकर 31 मई 2020 से लेकर 6 जून 2020 तक का, और ये प्योरली एमसीक्यू बेस्ड रहेगा। मुझे तो भाई मजा आता है ये फॉर्मेट में। अब आपको भी मुझे लग रहा है डेफिनेटली मजा आएगा इस डिस्कशन में, और आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ नहीं बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल इंक्रीज इन एफडीआई ऑफ इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 2019-20 एज पर डीपीआईआईटी। ठीक, तो डीपीआईआईटी के मुताबिक इंडिया का एफडीआई कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है 2018-19 से 2019-20 में। ठीक, अब ऑप्शंस पे आते हैं। तो आंसर क्या होगा हमारा, 18% इंक्रीज हुआ है एफडीआई। ठीक, और एफडीआई कुल मिलाकर अभी मतलब 2019-20 में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है, $73.46 बिलियन। याद रखिएगा अमाउंट है कितना, 73.46 बिलियन। क्लियर। अब अगर इन्वेस्टमेंट देखें तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट 2019-20 में कौन से कंट्री ने किया है, सिंगापुर से आया है एफडीआई सबसे ज्यादा इंडिया में 2019-20 में। कहां से आया है, सिंगापुर से आया है, और कितने अमाउंट का, 14.67 बिलियन। याद रखिएगा अमाउंट कितना, 14.67 बिलियन इन्वेस्टमेंट आया है सिंगापुर से, और ये सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है बाय अ कंट्री। क्लियर। अब स्टैटिक पार्ट पे आते हैं। अब एफडीआई है क्या चीज, वो थोड़ा समझ लेते हैं। एब्रिविएशन क्या बताया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब सिंपल से अगर बोले एफडीआई है क्या चीज ना, अगर कोई फॉरेन कंट्री या फॉरेन कंपनी हमारे यहाँ पे आके या हमारे कंट्री में आके पूंजी निवेश करता है या इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एफडीआई कहते हैं। नहीं, अगर लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करे तो ही एफडीआई कहा जाता है ना। अब किसने ये डिक्लेयर किया है, डीपीआईआईटी ने। तो डीपीआईआईटी का फुल फॉर्म क्या है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, और यह आता है आपका कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंदर। ये एक डिपार्टमेंट है, कौन से मिनिस्ट्री के अंडर, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंडर। हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर अभी कौन है, पीयूष गोयल, है ना। अब आंसर क्या है हमारा, 18%। तो एफडीआई इंडिया में 18% 2019-20 में इंक्रीज हुआ है एज पर डीपीआईआईटी, जो कि कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्ट्री का हिस्सा है। और कितना अमाउंट का कुल इन्वेस्ट एफडीआई आया है 19-20 में, $73.46 बिलियन। एंड सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कौन से कंट्री से आया है, सिंगापुर से आया है। कितना आया है, $14.67 बिलियन। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू डिक्लेयर इंटरनेट एज फंडामेंटल राइट। कौन सा वो स्टेट है जिसने इंटरनेट को फंडामेंटल राइट के तरह डिक्लेयर किया है,
फंडामेंटल राइट्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रहता है ना, तो फंडामेंटल राइट इंटरनेट को कौन से स्टेट ने इंडिया में पहले डिक्लेयर किया है? तो आंसर क्या रहेगा हमारा? केरला। ठीक। और ये जो प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है बाय केरला गवर्नमेंट वो है KFOL। ठीक। केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क। और इसके लिए केरला गवर्नमेंट ने 1500 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाया है, इसके लिए 1500 करोड़ का प्रोजेक्ट डिसाइड किया है। किसने? केरला स्टेट गवर्नमेंट ने। और ये प्रोजेक्ट कैरी आउट कौन करेंगे? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, उसके साथ मिला हुआ है आपका रेल टेल कॉरपोरेशन। ठीक। और साथ ही साथ कुछ और भी प्राइवेट कंपनियां भी इसके साथ जुड़ी हुई हैं। ठीक। अगर केरला के गवर्नर के बारे में बताएं तो करंट गवर्नर कौन है केरला के? आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान। और चीफ मिनिस्टर करेंटली है पिनारी विजय। ठीक। अब अगर तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना के गवर्नर कौन है? तमिलिसाई सौंदर्यराजन। और चीफ मिनिस्टर है के चंद्रशेखर राव। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ के गवर्नर है अनुसुईया उइके और सीएम है भूपेश बघेल। यूपी के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल एंड सीएम है योगी जी, है ना, वो उन्हें तो सब कोई जानता होगा डेफिनेटली। अब अगर तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना रिसेंटली न्यूज में भी था, किस लिए ना, एक रिवर प्रोजेक्ट वहां पे डिजाइन किया गया है, है ना, सुना होगा नाम, नाम क्या है? कुंडा पोचमा सागर प्रोजेक्ट। ठीक। तो ये रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना इन तेलंगाना। ठीक। अब छत्तीसगढ़ भी लास्ट वीक में, मतलब इस पर्टिकुलर वीक में न्यूज में था। दो न्यूज छत्तीसगढ़ के बारे में हम बता सकते हैं। एक तो स्पंदन कैंपेन लॉन्च किया था छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने, पर्पस है किनके लिए? फॉर पुलिसमैन। ठीक। ये पहला चीज। दूसरा चीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 445 करोड़ का ग्रांट अप्रूव किया है छत्तीसगढ़ को, किस लिए ना, फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जल जीवन मिशन। ठीक। जल जीवन मिशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 445 करोड़ का ग्रांट या पैसा दिया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को। क्लियर। और दूसरा चीज क्या था, स्पंदन कैंपेन भी लॉन्च किया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने फॉर द पुलिसमैन। अब अगर यूपी की बात करें तो यूपी भी इस वीक में न्यूज में था, किस लिए ना, यूपी गवर्नमेंट ने एक वेब पोर्टल बनाया है जिसका नाम उसने रखा है निवेश मित्रा। नाम क्या है? निवेश मित्रा। पर्पस क्या है इसका ना, ये सिंपली एक एमओयू मॉनिटरिंग
मैकेनिज्म है, एमओयू मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, मतलब यूपी गवर्नमेंट द्वारा जो भी या फिर यूपी में जो भी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स आता है, एमओयूज बनाया जा रहा है, उन सब का ट्रैक करेगा ये पर्टिकुलर पोर्टल। नाम क्या है? निवेश मित्र। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट एवर नेशनल लेवल ओपन ऑनलाइन कोचिंग प्रोग्राम नेम्ड खेलो इंडिया ई पाठशाला? खेलो इंडिया ई पाठशाला कौन से पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है? आंसर क्या रहेगा हमारा? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या सिंपली जिसे साई कहा जाता है। ठीक। अब सिर्फ साई अकेले ने ये इसे नहीं बनाया है, साई के साथ और एक ऑर्गेनाइजेशन भी मिला है जिसका नाम है NSF, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन। याद रखिएगा, साई और नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, इन दोनों ने मिलकर बनाया है कौन सा प्रोग्राम? खेलो इंडिया ई पाठशाला। पर्पस क्या है इसका? ना, ऑनलाइन कोचिंग दिया जाएगा स्पोर्ट्स पर्सनल्स को। ठीक। अब साई की अगर हेड की बात करें तो करेंटली साई के हेड हैं संदीप प्रधान जी। ठीक। वैसे ही अगर बीसीसीआई की बात करें तो ऑब्वियसली बताने की जरूरत नहीं है, दादा है भाई सौरभ गांगुली। अगर आईसीसी की बात करें, यहाँ पे भी एक इंडियन ही बैठे हुए हैं हेड के तौर पे, शशांक मनोहर जी। और अगर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बात करें तो हेड हैं नरेंद्र ध्रुव बत्रा। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ इंडिया इन अकॉर्डेंस विथ PLFS सर्वे बिटवीन जुलाई 2018 टू जून 2019? मतलब इस पीरियड में इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या रहा है? आंसर क्या रहेगा हमारा? 5.8%। अब अगर सेम पीरियड 2017-18 की बात करें, देन द रेट वाज 6.1%। तो अगर PLFS सर्वे को देखें तो 2017-18 में ये 6.1% था, 2018-19 के पीरियड में ये घटकर 5.8 पहुंच गया, मतलब घटा है पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ठीक। अब उसी हिसाब से अगर हम एम्प्लॉयमेंट पार्टिसिपेशन देखें तो 2017-18 से लेकर 18-19 में बढ़ोतरी हुई है, फीमेल पार्टिसिपेशन इन एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा है, तो लगभग अच्छा ही बता रहा है ये रिपोर्ट हमारा। ठीक। अब ये रिपोर्ट बनाता कौन है वो भी एक स्टैटिक चीज है जो एग्जाम में आपको पूछ सकता है। कौन बनाता है ये रिपोर्ट? NSO बनाता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो कि कौन से मिनिस्ट्री में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, जिसके मिनिस्टर अभी हैं हमारे राव इंद्रजीत सिंह। क्या बताया? राव इंद्रजीत सिंह। ठीक। तो PLFS सर्वे करता कौन है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। कौन से मिनिस्ट्री में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। और मुस्पी मिनिस्टर अभी कौन है? राव इंद्रजीत सिंह। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Who has been appointed as the new CMD of Oriental Insurance Company? कौन Oriental Insurance Company के CMD के तौर पे अपॉइंट हुई?
आंसर क्या है हमारा? एस एन राजेश्वरी। ठीक, अगर बाकी ऑप्शंस की बात करें तो ये अरुण सिंघल जो है, अरुण सिंघल भी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं सीईओ ऑफ FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सीईओ बनाए गए हैं रिसेंटली अरुण सिंघल जी। ठीक, अब अगर पीआर जयशंकर की बात करें तो ये भी एमडी बनाए गए हैं रिसेंटली कौन से ऑर्गेनाइजेशन के? IIFCL, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। क्लियर, वैसे ही रविंदर सिंह ढिल्लो भी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं CMD ऑफ PFC, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। याद रहा, अरुण सिंघल CEO अपॉइंट हुए FSSAI के, PR जयशंकर MD ऑफ IIFCL, रविंदर सिंह ढिल्लो CMD ऑफ पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन एंड SN राजेश्वरी जी अपॉइंट हुए हैं ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के नए CMD। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच कंट्री हैज प्रपोज्ड द आइडिया ऑफ G7+4 नेम्ड एज 11 डेमोक्रेसीज और D11? अब G7+4 बताया यहां पे या D11? तो ये प्रपोजल मतलब डेमोक्रेसीज 11 का प्रपोजल कौन से कंट्री ने दिया है? यूनाइटेड स्टेट्स ने या USA ने, और D10 का प्रपोजल भी एक आया है G7+3। अब ये प्रपोजल किसने दिया है? UK ने दिया है। अब दोनों का लगभग सेम है, USA किसको ये जो चार नए ऐड करना चाहता है उनमें इंडिया को रखना चाहता है, ऑस्ट्रेलिया को रखना चाहता है, रशिया को रखना चाहता है, ठीक, और आपका साउथ कोरिया को भी रखना चाहता है। ठीक, लेकिन जो यूके ने जो D10 का आपका बनाया है या प्रपोजल दिया है वो रशिया को इंक्लूड नहीं करना चाहता। यूके का जो फॉर्मेट है वो इंडिया को इंक्लूड करना चाहता है, ऑस्ट्रेलिया को करना चाहता है इंक्लूड, साउथ कोरिया को भी रखना चाहता है, बट रशिया को एक्सक्लूड करना चाहता है अपने फॉर्मेट में। बट एज पर आवर क्वेश्चन D11 का प्रपोजल किसने दिया है? यूनाइटेड स्टेट्स ने, और D10 का प्रपोजल किसने दिया है? यूनाइटेड किंगडम ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इंडियन स्टेट हैज लॉन्च्ड द COVID-19 ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म रिसेंटली? कौन से स्टेट ने COVID-19 ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म रिसेंटली लॉन्च किया है? तो हमारा आंसर क्या रहेगा? कर्नाटका। ठीक, और ये जो ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म कर्नाटका गवर्नमेंट ने बनाया है जिसे कि डेवलप किसने किया है? नैसकॉम ने डेवलप किया है। ठीक, याद रखिएगा ये प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? कर्नाटका, डेवलप्ड बाय नैसकॉम। क्लियर, अब अगर तमिलनाडु कर्नाटका के गवर्नर की बात बताएं तो कौन है कर्नाटका के गवर्नर? श्री बाजू भाई भल्ला। ठीक, और चीफ मिनिस्टर कौन है कर्नाटका के? BS येदियुरप्पा। ठीक, अब अगर तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु के गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित और CM है EK पलानीस्वामी। ठीक, अब केरला हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले,
उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल जी और सीएम नवीन पटनायक जी। और अगर लास्ट वीक की बात करें तो उड़ीसा भी न्यूज में था, किस लिए ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 812 करोड़ का सैंक्शन प्रोवाइड किया है, किसे? उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट को, फॉर द पर्पस ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ जल जीवन मिशन। ठीक, याद रखिएगा, लास्ट वीक में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उड़ीसा गवर्नमेंट को 812 करोड़ का फंड सैंक्शन किया है फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ जल जीवन मिशन। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नंबर ऑफ इरावडी डॉल्फिन्स इन चिलिका लेक हैज ट्रिपल्ड विद द हेल्प ऑफ विच आईआईटीज रिसर्च प्रोजेक्ट। तो आंसर क्या रहेगा हमारा? आईआईटी मद्रास। तो आईआईटी मद्रास के रिसर्चर्स ने जो प्रोजेक्ट बनाया था चिलिका लेक, जो कि कहां पे है? उड़ीसा में मौजूद है ये। ठीक, और ये अगर चिलिका लेक की बात करें, कहां पे बताएं? उड़ीसा में है ये, और ये एशिया का सबसे बड़ा सलाइन वाटर लेक है। ठीक, अब इरावाड़ी डॉल्फिन्स का नंबर 3 गुना बड़ा है, कौन से लेक में? चिलिका लेक में, जो कि उड़ीसा में है, और कौन से इंस्टीट्यूट के मदद से? आईआईटी मद्रास इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स के प्रोजेक्ट के मदद से। क्लियर, नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन कंट्रीज ग्लोबल रैंकिंग ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम 2020। अब इंडिया का रैंक 2020 में 23 है। ठीक, अब लास्ट ईयर इंडिया 17 पोजीशन पे था, अब ये इंडिया का रैंकिंग घटा है, तो 6 प्लेस नीचे गिर गया है इंडिया 2019 से लेकर 2020 के रैंकिंग में। और लास्ट ईयर के तरह इस ईयर भी इस रैंकिंग में टॉप कौन कर रहा है? यूएसए। तो सबसे ज्यादा स्टार्टअप इकोसिस्टम कहां पे मौजूद है? यूएसए में बने हैं 2020 में, उसी हिसाब से इंडिया 23वें नंबर पे आता है 6 पायदान नीचे गिरने के बाद। ठीक, अब ये रिपोर्ट बनाता कौन है? दिस रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड बाय स्टार्टअप ब्लिंक, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ज्यूरिच बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ज्यूरिच स्विट्जरलैंड हेडक्वार्टर है इसका, और यही बनाता है कंट्रीज ग्लोबल रैंकिंग ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम 2020। क्लियर, अब अगर सिटीज की बात करें तो सिटीज में बेंगलुरु सबसे अच्छे प्लेस पे है, मतलब टॉप इंडियन सिटी इन सिटीज लिस्ट ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम 2020, और इंडियन के हिसाब से नंबर 1 प्लेस पर है, बट ओवरऑल रैंकिंग में 14 पायदान पर है। ठीक, और सिटीज लिस्ट टॉप कौन कर रहा है? सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को, जो कि यूएसए का एक सिटी है, वो टॉप कर रहा है सिटीज वाला लिस्ट, जिसमें बेंगलुरु कौन से नंबर पे है? 14 नंबर पे है, एंड द बेस्ट इंडियन सिटी इन दिस लिस्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो विच बैंक हैज पार्टनर्ड विथ ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड TCIL
टू फैसिलिटेट रियल टाइम पेमेंट्स फॉर ट्रक ड्राइवर्स। तो ट्रक ड्राइवर्स को जो डिले इन पेमेंट्स होता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन से बैंक इनमें से टाई अप किया है TCIL के साथ? तो आंसर क्या रहेगा हमारा? DBS बैंक। ठीक, और जो प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है वो है DBS रैपिड, DBS रियल टाइम एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस बाय DBS, रियल टाइम एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस बाय DBS। अब अगर HDFC बैंक की बात करें तो HDFC बैंक भी रिसेंटली न्यूज में था, किसलिए ना? HDFC बैंक ने लॉन्च किया है समर ट्रीट्स। ठीक, तो समर ट्रीट्स कैंपेन बनाया है कौन से बैंक ने? HDFC बैंक ने। पर्पस क्या है? जो आपके मर्चेंट्स है या सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं उनके मुताबिक या उनके नीड के मुताबिक जो चेंज बन रहा है उसी हिसाब से उन्हें प्रोवाइड करवाया जा सके फैसिलिटी बैंक के तरफ से। ठीक, मतलब जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फिर जो सैलरीड क्लास लोग हैं उनकी जरूरत तक को समझकर उसी हिसाब से बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करना चाहता है HDFC बैंक इन समर ट्रीट्स कैंपेन। क्लियर। अब अगर इंदसिंद बैंक की बात करें, इंदसिंद बैंक भी इस वीक में न्यूज में था। तो इंदसिंद बैंक इज नाउ द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू प्रोवाइड ऑनलाइन ओपनिंग ऑफ करंट अकाउंट। ठीक, तो DBS बैंक पहला वो बैंक है जिसने ऑनलाइन करंट अकाउंट ओपन करने के लिए फैसिलिटी अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करना स्टार्ट किया है। अब कौन से एप्लीकेशन से आप कर सकते हो ये? इंडस कॉर्पोरेट जो ऐप है किसका? इंदसिंद बैंक का, उसी ऐप के जरिए ही आप क्या कर सकते हो? करंट अकाउंट ओपन कर सकते हो। कौन से बैंक में? इंदसिंद बैंक में। ठीक, ऑनलाइन। अब एक्सिस बैंक भी रिसेंटली न्यूज पे था, किस लिए ना? सॉफ्ट POS के लिए। ठीक, तो एक्सिस बैंक ने इसलिए दो कंपनियों के साथ टाई अप किया है। पहला तो है आपका मास्टर कार्ड एंड दूसरा है वर्ल्ड लाइन इंडिया। ठीक, तो सॉफ्ट POS बनाया किसने? लॉन्च किया है एक्सिस बैंक ने किसके साथ मिलकर? मास्टर कार्ड एंड वाइल्ड लाइन इंडिया के साथ। पर्पस क्या है इसका? ये POS जो प्रॉब्लम होता है किराना स्टोर्स में या मर्चेंट्स में, ऑफलाइन मर्चेंट्स में, अब ये POS फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा या पॉइंट ऑफ सेल फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा थ्रू मोबाइल। ठीक, तो स्मार्टफोन के जरिए क्या हो सकता है? किराना स्टोर्स या मर्चेंट लोकेशंस पर अब या ऑफलाइन मर्चेंट्स पर पेमेंट रिसीव कर सकते हैं थ्रू सॉफ्ट POS एप्लीकेशन। ठीक, अब और एक बैंक भी इस पर्टिकुलर वीक में न्यूज में था। कौन सा बैंक? यस बैंक। ठीक, अभी यस बैंक किस लिए न्यूज में था? यस बैंक ने टाई अप किया है चलो
एप्लीकेशन के साथ, ये एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है, यस बैंक टाई अप किया है किसके साथ, चलो ऐप के साथ। पर्पस क्या है, कॉन्टेक्टलेस ट्रैवल कार्ड लॉन्च करने के लिए। कौन सा कार्ड, कॉन्टेक्टलेस ट्रैवल कार्ड लॉन्च कर रहा है यस बैंक मिलकर किसके साथ, चलो मोबाइल एप्लीकेशन के साथ। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब विच कंट्री हैज प्रपोज्ड द नेम निसर्ग टू साइक्लोन विच हिट पार्ट ऑफ इंडियाज वेस्ट कोस्ट। अब महाराष्ट्र हिट किया था एंड गुजरात के कुछ पार्ट को भी हिट किया था ये। सो निसर्ग जो साइक्लोन है उसका नाम कौन से कंट्री ने प्रपोज किया है, कौन से कंट्री ने, ये बांग्लादेश ने प्रपोज किया था। ठीक, अब अगर रिसेंटली और एक भी साइक्लोन गया था, अगर याद कर ले अम्फान जो कि उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल कोस्ट को हिट किया था, उसका नाम किसने प्रपोज किया था, थाईलैंड। याद रखिएगा निसर्ग का नाम बांग्लादेश ने प्रपोज किया है, वैसे ही थाईलैंड प्रपोज किया था नाम अम्फान साइक्लोन का। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नाबार्ड हैज एक्सटेंडेड रुपीज 1050 क्रोर्स स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी टू विच स्टेट रिसेंटली। नाबार्ड ने कौन से स्टेट को 1050 करोड़ स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी या ग्रांट अवेल करवाया है, लोन ग्रांट अवेल करवाया है 2021 फाइनेंशियल ईयर में अभी तक, ये कुल अमाउंट है। तो कौन सा स्टेट है, वेस्ट बंगाल। याद रखिएगा वेस्ट बंगाल को नाबार्ड ने अभी तक 1050 करोड़ स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी अवेल करवा चुका है। ठीक, अगर वेस्ट बंगाल के गवर्नर के बारे में बात करें तो कौन है, जगदीप धनकर, है ना, जगदीप धनकर हैं वेस्ट बंगाल के गवर्नर। और चीफ मिनिस्टर कौन है, दीदी ममता दीदी, है ना। अब तमिलनाडु तो ऑलरेडी डिस्कस हम कर चुके हैं, यूपी भी डिस्कस कर चुके हैं, कर्नाटका भी डिस्कस कर चुके हैं, कर्नाटका से रिलेटेड न्यूज भी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। कोविड ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म नैसकॉम के द्वारा जो डेवलप हुआ था वो कर्नाटका ने बनाया था। अब यूपी रिलेटेड और एक न्यूज भी हम बता सकते हैं, यूपी ने एमओयू साइन किया है किसके साथ, MOU with industry and business chambers. यूपी ने इंडस्ट्री और बिजनेस चैंबर्स के साथ MOU साइन किया है, किस लिए, MSME सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, MSME सेक्टर को प्रमोट करने के लिए। और जो प्रवासी माइग्रेंट्स यूपी में आ रहे हैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए। ठीक, माइग्रेंट वर्कर्स जो यूपी से बाहर में काम करते थे अभी कोरोना या COVID-19 के वजह से यूपी रिटर्न कर रहे हैं, उन्हें कैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाया जा सके, इसलिए यूपी गवर्नमेंट ने एमओयू साइन किया है इंडस्ट्री एंड बिजनेस चैंबर्स के साथ एमएसएमई प्रमोट करने के लिए एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए माइग्रेंट वर्कर्स को। क्लियर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which ministry has partnered with TCS Eon to offer free online
कैरियर स्किल्स ट्रेनिंग कौन से मिनिस्ट्री ने TCS ION के साथ पार्टनरशिप किया है फ्री ऑनलाइन कैरियर स्किल्स ट्रेनिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए? तो आंसर क्या रहेगा हमारा, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। अब ये कौन से पोर्टल के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा? नहीं, ये फैसिलिटी NCS पोर्टल के जरिए ही प्रोवाइड किया जाएगा। NCS क्या है? नेशनल कैरियर सर्विस, ठीक। और लेबर एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर कौन है अभी फिलहाल हमारे? संतोष गैंगवार, ठीक। संतोष गैंगवार जी अभी फिलहाल लेबर एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। अब अगर रीसेंट और एक न्यूज की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ HRD इन दोनों ने मिलकर एक प्रोग्राम डिजाइन किया है जिसका नाम रखा गया है TULIP, ठीक। नाम क्या रखा गया है? TULIP। फुल फॉर्म क्या बताएंगे? द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम कौन से मिनिस्ट्री ने बनाया है? हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ HRD, जिसे कि बनाया किसने है? AICTE, डेवलप्ड बाय AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ठीक। अब मिनिस्टर कौन है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के? हरदीप सिंह पुरी जी। और HRD मिनिस्टर कौन है अभी? रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक। अब अगर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्टर कौन है हमारे? महेंद्रनाथ पांडे जी, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इंस्टीट्यूट रैंक्ड टॉप अमोंग इंडियन इंस्टीट्यूशंस इन द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ठीक। कौन सा इंस्टीट्यूट? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ठीक है। अब इंडियन इंस्टीट्यूट के हिसाब से ये नंबर वन प्लेस पे है, बट ओवरऑल रैंकिंग में ये 36th प्लेस पे है। याद रखिएगा, ओवरऑली 36th प्लेस पर इंडियन इंस्टीट्यूट के हिसाब से नंबर वन, जिसे कि टॉप कौन कर रहा है? ये ओवरऑली टॉप्ड बाय सिंघुआ यूनिवर्सिटी। ओवरऑल रैंकिंग को टॉप कौन सा यूनिवर्सिटी कर रहा है? सिंघुआ यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना, क्लियर। अब अगर ऑप्शन बी की बात करें, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, अब ये भी रिसेंटली न्यूज पे था। किस लिए? लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने अलजाई बेस्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम डेवलप किया है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने अलजाई बेस्ड रेस्पिरेटर सिस्टम डेवलप किया है, जिसका नाम उन्होंने रखा है ऑक्सीजेनो, ठीक। अब लास्ट वीक में ऑर्डेंस फैक्ट्री बोर्ड या OFBB हमारा न्यूज पे था, कलकत्ता हेडक्वार्टर है इसका, ठीक। अब किस लिए न्यूज पे था? ना डिफेंस मिनिस्ट्री ने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 156 ICVs डेवलप करने के लिए कहा है, किसे? ऑर्डेंस फैक्ट्री बोर्ड को, या ऑर्डर दिया है 156 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स बनाने के लिए ऑर्डर दिया है
किसे? ऑर्डेंस फैक्ट्री बोर्ड को, और कितने अमाउंट का? 1094 crores, ठीक, 156 ICVs प्रोवाइड करेगा, बनाएगा ऑर्डेंस फैक्ट्री बोर्ड, किसके लिए? इंडियन आर्मी के लिए, जिसका प्रोजेक्ट कॉस्ट रखा गया है 1094 crores। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द एमओयू विथ विच कंट्री टू इंप्रूव द कोऑपरेशन इन द एरियाज ऑफ एनवायरनमेंट, कौन से कंट्री के साथ? एनवायरनमेंट के लिए भूटान के साथ रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है? एमओयू साइन किया है, ठीक। अब वैसे ही ऑस्ट्रेलिया के साथ भी रिसेंटली एमओयू साइन हुआ है, कौन से पर्पस के लिए? लॉजिस्टिक्स सपोर्ट के लिए, ठीक, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच लॉजिस्टिक्स सपोर्ट के लिए भी एमओयू साइन हुआ है, एनवायरनमेंट के लिए, किसके साथ? भूटान के साथ, ठीक। अब वियतनाम भी रिसेंटली हमारा न्यूज में था, किस लिए? ना आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक 1100 साल पुराना शिवलिंगम फाइंड किया है, कहां पे? वियतनाम में। याद रखिएगा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक शिवलिंगम ढूंढा है जो कि लगभग 1100 साल पुराना है, और कहां से ढूंढा गया है? ये वियतनाम से ढूंढा गया है, क्लियर। अब कलकत्ता की बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, तो और एक न्यूज अगर हम बताएं यहां पे, तो हमारा पहले था कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट, नाम अगर सुने होंगे, ये नाम था, है कि नहीं? अब इसका नाम रिसेंटली चेंज करवा दिया गया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट, ठीक। अब कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट जो था उसका नाम चेंज करवा कर आपका क्या रख दिया गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड अल्ट्रा स्वच्छ डिसइंफेक्शन यूनिट टू डिसइंफेक्ट पीपीज एंड अदर मटेरियल्स, मतलब जो डॉक्टर्स लोग पीपीज यूज करते हैं, या हेल्थ वर्कर्स, या जो अदर मटेरियल्स भी यूज करते हैं, या कोरोना वॉरियर्स गवर्नमेंट ने जिन्हें नाम दिया है, उनके लिए अल्ट्रा स्वच्छ डिसइंफेक्शन यूनिट, मतलब वो जो सामान वो यूज करते हैं उसे डिसइंफेक्ट करने के लिए अल्ट्रा स्वच्छ डिसइंफेक्शन यूनिट किसने बनाया है? किसने? INMAS ने, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंस, ठीक। अब ये एक पार्ट याद रखिएगा DRDO का, INMAS इज अ पार्ट ऑफ DRDO। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज has predicted India's real GDP to contract by what percent in fiscal 2021? तो contract मतलब घटने वाला है, ठीक। तो इंडिया का रियल जीडीपी कितना परसेंट 2021 फाइनेंशियल ईयर में घटेगा बताया है मूडीज ने, ठीक, जो कि एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। तो क्या होगा हमारा आंसर? 4%, ठीक। तो इंडियन जीडीपी 4% घटेगा,
अब अगर लास्ट वीक की बात करें तो सर्वे ऑफ प्रोफेशनल्स फोरकास्टर्स, जिन्हें इन शॉर्ट SPF भी कहा जाता है, जो कि RBI स्पॉन्सर्ड है, ये RBI स्पॉन्सर्ड सर्वे है। अगर इसकी बात करें तो इसने इंडियन GDP कॉन्ट्रैक्ट करेगा कितना परसेंट, 1.5% कॉन्ट्रैक्ट करेगा बताया है। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो विच ऑर्गेनाइजेशन हैज ऑर्गेनाइज्ड द डिजिटल समिट ऑन एक्सपोर्ट्स, डिजिटल समिट ऑन एक्सपोर्ट्स, कोरोना के वजह से या COVID-19 के वजह से डिजिटल समिट हुआ है, तो किसने ये बनाया है, किसने, CII ने ऑर्गेनाइज किया था, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। और रिसेंटली उदय कोटक, जिसके नए हेड चुने गए हैं, ठीक, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के नए हेड कौन है, उदय कोटक, और उसने कौन सा बनाया, डिजिटल समिट ऑर्गेनाइज किया है रिसेंटली। अब अगर ट्राइफेड की बात करें, ट्राइफेड फुल फॉर्म क्या है, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ट्राइबल, दोबारा बता देता हूं, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसके हेड कौन है, प्रवीर कृष्णा, याद रखिएगा प्रवीर कृष्णा इसके हेड है। अब इफको फुल फॉर्म क्या बताएंगे, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव। अब इसके हेड कौन है, बलविंदर सिंह, चेयरमैन है अभी बलविंदर सिंह, ठीक। और फिकी, इन शॉर्ट या फुल फॉर्म इसका क्या है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, हेड है इसके अभी संगीता रेड्डी, ठीक। अब सारे ऐसे ही प्राइवेट बडीज या ऐसे बडीज की बात चल रही है, तो और एक ऑर्गेनाइजेशन का भी हम यहां पे जिक्र करेंगे, NASSCOM, ठीक। NASSCOM भी अभी न्यूज में ऑलरेडी एक बार जा चुका है कर्नाटका के साथ COVID-19 ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म बनाते हुए। अब NASSCOM ने अभी रिसेंटली डेवलप किया है कौन सा चीज, रेस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ प्रोग्राम, ठीक, लॉन्च किया है। साथ ही साथ आपका नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी पोर्टल भी आपका लॉन्च किया है, नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल और रेस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ, ये दोनों रिसेंटली डिजाइन किसने किया है, NASSCOM ने किया है, जिसके हेड कौन है, यूबी प्रवीण राव जी, ठीक। अब और एक इंस्टीट्यूशन भी रिसेंटली न्यूज पे था, CCI, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। अब कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने आपका कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इंडिया में पिगेट
एसए कंपनी और फिएट क्राइस्लर कंपनी, ये दोनों कार मेकिंग कंपनी हैं, इन दोनों को मर्जर के लिए अप्रूवल दिया है। किसने? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गेनाइजिंग द माई लाइफ माई योगा या जीवन योगा कॉन्टेस्ट। अगर मोदी जी का मन की बात अगर आप सुनते होंगे रेगुलर बेसिस पर, तो जो लास्ट मन की बात था उसमें इसका जिक्र किया था उन्होंने, और उसी हिसाब से ये डिजाइन किया गया है, माई लाइफ माई योगा या जीवन योगा कॉन्टेस्ट। किसने बनाया है? इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस ने। ठीक। किसके साथ मिलकर? आयुष मिनिस्ट्री के साथ मिलकर। श्रीपद यशो नायक जी हैं मिनिस्टर इसके, आयुष मिनिस्ट्री और इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस ने मिलकर बनाया है। अब इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है हर साल अगर पूछा जाए तो? कौन सा डेट? जून 21। हर साल जून 21 को मनाया जाता है इंटरनेशनल योगा डे, और इस साल ये छठा इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वॉज अपॉइंटेड एज द इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू WTO। अब WTO क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये टूरिज्म यहां पर नहीं बोल रहे हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन अपॉइंट हुए इंडिया से? कौन? ब्रजेंद्र नवनीत। ठीक। अब WTO की बात करें तो WTO का हेडक्वार्टर कहां पर है? जेनेवा। और इसके हेड कौन है? रॉबर्टो एज़वेडो। अब स्पेलिंग में चूक रहे तो माफ कीजिएगा, रॉबर्टो एज़वेडो है डायरेक्टर जनरल WTO के, और जेनेवा है हेडक्वार्टर उसका। अब बाकी ऑप्शंस की अगर बात करें, उदय कोटक हम ऑलरेडी बता चुके हैं के कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के CMD बने या प्रेसिडेंट बने। किरण मजूमदार शॉ बायोकॉन कंपनी के हेड हैं, है ना, चेयरपर्सन ऑफ बायोकॉन कंपनी। अब ये चुनी गई हैं अर्नस्ट एंड यंग या EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020। ठीक। 2020 के एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है किरण मजूमदार शॉ को, जो कि बायोकॉन कंपनी के चेयरपर्सन हैं। अब राजीव टोपनो की अगर बात करें, राजीव टोपनो अभी अपॉइंट हुए सीनियर एडवाइजर अपॉइंट हुए कहां पे? वर्ल्ड बैंक में। ठीक। वर्ल्ड बैंक में अपॉइंट हुए सीनियर एडवाइजर। कौन? राजीव टोपनो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which company to acquire 9.9% stake in Jio Platforms? Jio Reliance Industries का ही एक subsidiary है, है ना? अब कोरोना क्या आया, Jio का तो भाग ही शायद खुल गए हैं। अब इन्वेस्टमेंट के बाद इन्वेस्टमेंट मतलब पूरा भरपूर आता ही जा रहा है ये तो। अब इस हफ्ते अगर बात करें तो 9.9% किसने इन्वेस्ट टेक ओवर किया है? फेसबुक ने। ठीक। कौन से? अब पेरेंट
फेसबुक कंपनी ने अपने नाम पे नहीं खरीदा है, उसके एक सब्सिडियरी कंपनी जडू होल्डिंग्स LLC के थ्रू उसने परचेज किया है 9.9% स्टेक और इन्वेस्टमेंट लगभग 5.7 बिलियन का है। सोच सकते हो कितना बड़ा अमाउंट है, कितना स्टेक खरीदा या शेयर होल्डिंग खरीदा जियो प्लेटफॉर्म ने, फेसबुक ने अपने सब्सिडियरी कंपनी जडू होल्डिंग्स LLC के जरिए और कितने पैसे के साथ, 5.7 बिलियन डॉलर। इसी वीक ही और एक कंपनी ने भी जियो प्लेटफॉर्म का कुछ शेयर्स खरीदा है। कौन सा कंपनी? मुबादला कंपनी, जो कि एक अबू धाबी बेस्ड कंपनी है। अबू धाबी बेस्ड कंपनी है ये, इसने 1.85% स्टेक खरीदा है। किसमें? जियो प्लेटफॉर्म्स में। और लगभग 9000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट के साथ 1.85% स्टेक खरीदा। किसने? मुबादला कंपनी ने, जो कि अबू धाबी बेस्ड एक कंपनी है। कितने पैसे के साथ? लगभग 9000 करोड़ के साथ। अगर टेकओवर की बात कर रहे हैं तो एक बैंक भी टेकओवर किया है कुछ हिस्सा। कौन सा बैंक? यस बैंक ने 24.19% स्टेक खरीदा है। ठीक, किसका? डिश टीवी इंडिया। अब ये जो टीवी हम देखते हैं ना, डिश टीवी जो ऑपरेटर है उसका ऑलमोस्ट 25% या परफेक्ट बोलने जाए 24.19% शेयर होल्डिंग डिश टीवी इंडिया का खरीद लिया। कौन? यस बैंक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कंपनी हैज अक्वायर्ड 51% स्टेक इन टीपी सेंट्रल ओडिशा डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, या फिर TPCODL भी बोल सकते हैं इन शॉर्ट। तो कौन से कंपनी ने खरीदा है? टाटा पावर ने। ठीक, अब TPDSL की बात करें, याद रखिएगा ये एक हिस्सा है किसका? ग्रिडको का। ठीक, हिस्सा है किसका? ग्रिडको, उड़ीसा का कंपनी है ये भी, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा का ओनरशिप। अब TPCODL किसका ओनरशिप अंडर में है? ग्रिडको के अंडर में है, मतलब ग्रिडको का 100% ओनरशिप है। किसमें? TPCODL में। और उससे टाटा पावर ने कितना परसेंटेज हिस्सा खरीदा? 51%। अब बाकी जो 49% है वो अभी भी किसके साथ रहने वाला है? 49% TPCODL या फिर ग्रिडको के पास रहने वाला है, याद रखिएगा। अब और एक चीज, मर्जर की बात, अगर टेकओवर की बात चल रहा है तो करें। अच्छा, अमाउंट इसका याद रखिएगा, 178 crores के साथ खरीदा है, 178 crores के साथ खरीदा गया है ये 51% शेयर। अब अगर यही मर्जर की बात कर रहे हैं तो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BML जो कंपनी है इंडिया का, मिनी रत्न कंपनी कैटेगरी का है ये, अभी बातचीत कर रहा है किसके साथ? मेलको, जो कि
जापान बेस्ड एक कंपनी है मेलको, जो जापान बेस्ड एक कंपनी है BEML भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के साथ इन दोनों का बातचीत चल रहा है पॉसिबिलिटी ऑफ जॉइंट वेंचर कंपनी बनाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फर्स्ट प्राइवेट कंपनी विच हैज सेंट एस्ट्रोनॉट्स इनटू द स्पेस, तो पहला कौन सा वो प्राइवेट कंपनी है जिसने स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स भेजे हैं। अब बेसिकली नासा भेजता है या फिर आपका इसरो बोल दे इंडिया से भेजता है, ये सब क्या है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, गवर्नमेंट रिसर्च बॉडीज, बट पहला वो प्राइवेट कौन है जिसने एस्ट्रोनॉट्स भेजे हैं। अब नाम सुने होंगे स्पेसएक्स। ठीक, अब ओनर इसके याद रख लीजिए एलोन मस्क। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच स्पेशल माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी स्कीम लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल लोन्स टू स्ट्रीट वेंडर्स। ठीक, स्पेशल माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी स्कीम लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल लोन्स टू स्ट्रीट वेंडर्स, तो आंसर क्या रहेगा हमारा पीएम एसबीए निधि। ठीक, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। ठीक, अब किस लिए इसे बनाया गया है ना, स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं उन्हें वर्किंग कैपिटल लोन प्रोवाइड करने के लिए, वर्किंग कैपिटल लोन टू द स्ट्रीट वेंडर्स। ठीक, कितने अमाउंट का ना, अप टू रुपीस 10,000, अप टू रुपीस 10,000 का लोन दिया जाएगा रीपेबल विद इन वन ईयर इंस्टॉलमेंट बेसिस। ठीक, 10,000 तक का वर्किंग कैपिटल लोन दिया जाएगा स्ट्रीट वेंडर्स को और चुकाने के लिए टाइम पीरियड रखा गया है 1 साल। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Who hosted the virtual global vaccine summit? किसने होस्ट किया वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट? अब वैक्सीन बनाने के लिए, अब ये कोरोना आ गया है इसके वजह से वैक्सीन को ज़्यादा बहुत अहमियत दी जा रही है, तो पहला वो वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट कौन हेड कर रहे हैं ना, बोरिस जॉनसन, जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं किसके, यूके के। ठीक, अब ये पर्टिकुलर जो समिट है इसे होस्ट कौन करता है, गावी, याद रखिएगा फुल फॉर्म है ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन, फुल फॉर्म याद रखिएगा ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। ठीक, और होस्ट कौन किए, बोरिस जॉनसन, जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर भी इस पर्टिकुलर समिट में पार्टिसिपेट किए थे और कुल मिलाकर 50 कंट्रीज के हेड्स इसमें पार्टिसिपेट किए थे। और याद रखिएगा प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 मिलियन डॉलर गावी को देने के लिए वादा भी दिया है इस पर्टिकुलर समिट में। ठीक, अब डोनाल्ड ट्रंप, इन्हें तो जानते ही होंगे यूएसए के प्रेसिडेंट है। ठीक, अब
ये भाई साहब कौन है? स्कॉट मॉरिसन। अब कौन है ये? प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक, अब ये भी रिसेंटली न्यूज में थे, किस लिए? द फर्स्ट इंडिया ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, अटेंडेड बाय स्कॉट मॉरिसन जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया है। ठीक, फर्स्ट एवर वर्चुअल लीडर्स समिट जो हुआ था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, उसके इंडिया के तरफ से नरेंद्र मोदी जी पार्टिसिपेट किए थे और ऑस्ट्रेलिया के तरफ से स्कॉट मॉरिसन जो कि उनके प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब विच पोर्टल वॉज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी टू हेल्प द स्मॉलर MSMEs बाय रिजॉल्विंग देयर ग्रीवेंसेस एंड द कंप्लेंट्स रिसीव्ड ऑन द पोर्टल। तो स्मॉलर MSMEs को, एक सेकेंड रुकिए, स्मॉलर MSMEs को का जो प्रॉब्लम रहता है या जो कंप्लेंट्स रहता है उन्हें रिजॉल्व करने के लिए कौन सा वो पोर्टल या वेब पोर्टल लॉन्च किया है प्राइम मिनिस्टर ने। ठीक, तो आंसर क्या रहेगा हमारा? चैंपियंस, क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। लंबा चौड़ा है, थोड़ा अच्छे से ध्यान से सुनिए। क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ, याद रखिएगा अच्छे से। अब बाकी जो यहां पे ऑप्शंस भी देख रहे हैं ये भी रिसेंट या इस वीक में न्यूज में था। पहला है आपका मेरा वतन। अब ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है, मोबाइल ऐप है ये, लॉन्च किसने किया है इसे? जम्मू एंड कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है गिरीश चंद्र मुर्मू जी ने इसे लॉन्च करवाया है, जिसे डेवलप किया है NIC ने, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। कौन लॉन्च किए? मोबाइल ऐप है मेरा वतन, जम्मू एंड कश्मीर, लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू जी ने इसे डेवलप किया है और इसे डेवलप किया है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने। अब काम क्या है इस मोबाइल एप्लीकेशन का? ये पर्टिकुलर मोबाइल एप्लीकेशन जम्मू एंड कश्मीर एम्प्लॉइज को सैलरी ट्रैक करने के लिए हेल्प करेगा, या सिंपली कह सकते हैं ये एक सैलरी ट्रैकर मोबाइल एप्लीकेशन है जम्मू एंड कश्मीर एम्प्लॉइज के लिए। ठीक, अब सीड्स की अगर बात करें, ये एक इंडियन NGO है, सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी, सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का। इसे वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2020 दिया गया है, वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड दिया गया है 2020 का। अब वर्ल्ड नो टोबैको डे कौन सा है? May 31। ठीक, याद रखिएगा वर्ल्ड नो टोबैको डे। ठीक, अब स्वदेश की अगर बात करें तो स्वदेश का फुल फॉर्म है स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डाटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट, स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डाटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। ये
किसने लॉन्च किया है ना, ये इसे बोल सकते हैं ये स्किल मैपिंग एक्सरसाइज है, ये मतलब इसके जरिए स्किल्ड वर्कर्स का मैपिंग किया जाएगा कि कौन से स्किल कैटेगरी के कितने माइग्रेंट वर्कर्स कहां पे मौजूद है। ठीक, डिजाइन इसे किसने किया है या लॉन्च किसने किया है ना, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री एंड अलोंग विद इट सिविल एविएशन मिनिस्ट्री एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री भी साथ जुड़ा है। तो तीन मिनिस्ट्री यहाँ पे रहेगा आपका, स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री प्लस आपका एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, तीनों ने मिलकर डिजाइन किया है स्वदेश को। क्लियर, और ये किस चीज के लिए बनाया गया है, स्किल मैपिंग एक्सरसाइज याद रखिएगा। और इसे डिजाइन किया गया है कौन से मिशन के अंडर में, वंदे भारत मिशन, याद रखिएगा स्वदेश विल बी अ पार्ट ऑफ वंदे भारत मिशन। क्लियर, अब नेक्स्ट चलते हैं। Which organization has extended the deadline for POA norms till August 1, 2020? POA, Power of Attorney norms. ठीक, अब कौन से वो organization ने ये deadline को extend किया है, किसने, SEBI ने। ठीक, अब problem क्या था ना, अब जो security advisors है या stock brokers है, ये जो नया पावर ऑफ अटर्नी प्रोविजन है उसे अडॉप्ट करने के लिए अभी COVID-19 के वजह से उन्हें दिक्कतें आ रही हैं। दैट्स व्हाई उन्होंने सेबी को रिक्वेस्ट किया था कि इस डेडलाइन को थोड़ा आगे बढ़ा दिया जाए ताकि जो अभी डिफिकल्टी चल रही है वो धीरे धीरे वो अडॉप्ट कर सके नया प्रोविजन। ठीक, अब सेबी के चेयरमैन अगर बोलेंगे कौन है अभी फिलहाल, अजय त्यागी जी। ठीक, अब सेबी रिसेंटली और एक न्यूज में भी आया था, अब सेबी ने कमोडिटी डेरिवेटिव्स एडवाइजरी कमिटी को भी रीअरेंज किया है। कमोडिटी डेरिवेटिव्स एडवाइजरी कमिटी जो है सेबी का 17 मेंबर कमिटी है, ये इसे रीअरेंज करवाया है सेबी ने, और इसके हेड रहेंगे अशोक दलवानी जो कि एक फॉर्मर रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है। तो ये हेड रहेंगे 17 मेंबर रीअरेंज्ड कमिटी मेड बाय सेबी फॉर कमोडिटी डेरिवेटिव्स एडवाइजरी। ठीक, अब आरबीआई के हेड ऑफ गवर्नर कौन है अभी फिलहाल, शक्तिकांत दास। ठीक, आईआरडीआई के चेयरमैन कौन है, सुभाष चंद्र खुंटिया। ठीक, अब डीआरडीओ की अगर बात करें, डीआरडीओ भी इस हफ्ते न्यूज में था, डीआरडीओ के चीफ जी सतीश रेड्डी जी हैं फिलहाल। अब डीआरडीओ ने रिसेंटली डेवलप किया है स्मेरु पैक्स, क्या स्मेरु पैक्स, अब पर्पस क्या है इसका ना, जो हेल्थ वर्कर्स है या डॉक्टर्स है या जो कोरोना वॉरियर्स हम जिन्हें बोल रहे हैं उनके लिए ये बनाया है किसने, डीआरडीओ ने, उन्हें कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए जो पीपीईज यूज करते हैं या पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो हेल्थ वर्कर्स एंड डॉक्टर्स यूज करते हैं कोरोना पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए या टेस्ट वगैरह करने के लिए, उन्हें कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए डीआरडीओ ने लॉन्च किया है कौन सा, स्मेरु पैक्स। ठीक,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. हाउ मेनी स्टेट्स और यूटीज ज्वाइंड द वन नेशन वन रेशन कार्ड स्कीम एज ऑन June 1, 2020. अब वन नेशन वन रेशन कार्ड याद रखिएगा, ये IMPDS स्कीम का हिस्सा है. कौन सी स्कीम का? IMPDS का, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. इस पर्टिकुलर मेन स्कीम का हिस्सा है ये स्कीम. और जून फर्स्ट तक कितने स्टेट्स और यूटीज? 20 स्टेट्स और यूटीज ज्वाइन हो चुके हैं. ठीक, अभी पहले 17 हुआ करते थे, रिसेंटली 3 स्टेट इसमें जुड़े हैं. कौन से? उड़ीसा जुड़ा है, मिजोरम जुड़ा है और सिक्किम जुड़ा है. ठीक, याद रखिएगा, रिसेंटली उड़ीसा, मिजोरम, सिक्किम, ये तीनों स्टेट्स ज्वाइन हुए हैं वन नेशन वन रेशन कार्ड स्कीम के अंडर में, जो कि IMPDS स्कीम का एक हिस्सा है. अब ये डिक्लेरेशन कौन से मिनिस्ट्री के तरफ से आया था? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके मिनिस्टर है राम विलास पासवान जी. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स वर्ल्डेस्ट नोन लैंड एनिमल? वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट लैंड एनिमल जो पाया गया है उसका नाम क्या है? आंसर क्या रहेगा? कैम्पेकैरिसो बेनेंसिस. अब ये कहां पे देखा गया है? स्कॉटलैंड में पाया गया है और ये लगभग 450 मिलियन ईयर्स, ठीक, 450 मिलियन ईयर्स अप्रोक्सीमेटली पुराना है माना जा रहा है. किसे? और कहां पे देखा गया है? स्कॉटलैंड में देखा गया है. ये रिपोर्ट आया था आपका एक जर्नल में जिसका नाम है हिस्टोरिकल बायोलॉजी. जर्नल का नाम याद रखिएगा, क्या बताए? हिस्टोरिकल बायोलॉजी. ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Who topped the Forbes 100 World's Highest Paid Celebrities List 2020? अब देखिए, recently दो लिस्ट निकला है, एक जो highest paid celebrities हैं, दूसरा लिस्ट आपका निकला है highest paid athletes list. ठीक है, ये दो लिस्ट Forbes ने निकाला है. अब अगर सेलिब्रिटीज लिस्ट की बात करें तो उसे टॉप किया है काइली जेनर ने. ठीक, अब इसी लिस्ट में आपके इंडिया के अक्षय कुमार भी आते हैं 52nd पोजीशन में. इंडिया के अक्षय कुमार सेलिब्रिटीज लिस्ट में 52nd प्लेस पे आ रहे हैं, जिसे टॉप कौन कर रहे हैं? काइली जेनर. ठीक, 22 साल के यंग एक्टर हैं यूएसए के. अब उसी लिस्ट में आपके रॉजर फेडरर 3rd प्लेस पे आ रहे हैं सेलिब्रिटीज लिस्ट में, याद रखिएगा. बट अगर हम एथलेट्स लिस्ट की बात करें तो एथलेट्स लिस्ट इज टॉप्ड बाय रॉजर फेडरर. याद रखिएगा, एथलेट्स का जो हाईएस्ट पेड लिस्ट निकाला है फोर्ब्स ने, टॉप्ड बाय रॉजर फेडरर, जो कि सेलिब्रिटीज लिस्ट में 3rd प्लेस में है. और उसी लिस्ट में विराट कोहली 66th प्लेस पे है. कौन से लिस्ट पे? एथलेट्स लिस्ट पे. दोबारा बता दे रहा हूं, सेलिब्रिटीज लिस्ट में काइली जेनर 1st प्लेस पर, इंडिया के अक्षय कुमार 52nd प्लेस पर, रॉजर फेडरर
थर्ड प्लेस पर। एथलेट्स लिस्ट में टॉप है रॉजर फेडरर फर्स्ट पोजीशन पर, विराट कोहली इंडिया के 66th प्लेस पर। क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द थीम फॉर द एनुअल डेवोस मीटिंग जनवरी 2021 व्हिच विल बी कंडक्टेड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक, अब जनवरी 2021 में होगा, ऑर्गेनाइजर कौन है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब आंसर क्या रहेगा हमारा? द ग्रेट रीसेट। ठीक, और याद रखिएगा ये 51st समिट होगा, ये एनुअल समिट कितने नंबर का समिट होगा? 51st समिट होगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात अगर हम करें, हेडक्वार्टर कहां पे है इसका? कोलोगनी स्विट्जरलैंड। ठीक, और सॉरी हेड है इसके क्लॉज स्क्वाब। ठीक, हेडक्वार्टर है कोलोगनी स्विट्जरलैंड, हेड है क्लॉज स्क्वाब, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आरबीआई हैज क्रिएटेड पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड PIDF ऑफ व्हाट अमाउंट टू बूस्ट डिजिटलाइजेशन। तो PIDF फंड नया एक तैयार किया है आरबीआई ने, पर्पस है POS रिलेटेड जो इश्यूज है उसे सॉल्व किया जाए और डिजिटलाइजेशन को बूस्ट किया जाए या बढ़ोतरी ज्यादा करवाया जाए। ठीक, या स्मॉलर टाउन्स एंड सिटीज में या स्मॉलर एरियाज में जो थोड़ा बहुत कम डेवलप्ड हैं, उन एरिया में पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके। ठीक, अब कितने पैसे के साथ? 500 करोड़ के साथ इसे बनाया गया है। इनिशियली आरबीआई ने दिया है 250 करोड़। ठीक, याद रखिएगा, इनिशियली 250 करोड़ आरबीआई ने क्या किया है? दिया है पीआईडीएफ को, फुल वर्थ है पीआईडीएफ फंड का कितना? 500 करोड़। नेक्स्ट चलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान्स टू अचीव 100 गीगावाट सोलर पावर बाय विच ईयर। ये पुराना ही क्वेश्चन है, अब बहुत बार आ भी चुका है, इस वीक में भी थोड़ा न्यूज में था तो इसलिए हमने डाल रखा है यहाँ पे। कब? 2022 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लान किया है 100 गीगावाट सोलर पावर प्रोडक्शन टारगेट अचीव करने के लिए, और इसलिए हम इसे इस वीक में करंट न्यूज में रखे हैं या क्वेश्चन इसका डाले हैं, क्योंकि रिसेंटली अब क्या क्या लिखे, इरकॉन, NIFL एंड आयना, ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन मिले हैं या कोलैबोरेट हुए हैं सोलर एनर्जी सेक्टर के लिए अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने के लिए। ठीक, ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेट हुए हैं या मिले हैं सोलर एनर्जी रिलेटेड जो भी अपॉर्चुनिटीज आएंगे उसे एक्सप्लोर करने के लिए। ठीक, अब इरकॉन अगर बताएं तो इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, ये एक मिनीरत्न कैटेगरी 1 वाला कंपनी है इंडिया में। NIFL बताए तो नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड
इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड, आयना रिन्यूएबल पावर प्राइवेट लिमिटेड, आयना रिन्यूएबल प्राइवेट लिमिटेड, पावर प्राइवेट लिमिटेड, ठीक। ये तीनों क्या हुए हैं, मर्ज हुए हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द आउटले ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम 2.0 व्हिच वाज लॉन्च्ड रिसेंटली, ठीक। अब आंसर क्या रहेगा हमारा, 50,000 crores, ठीक। लॉन्च इसे किसने किया है, लॉन्च्ड बाय मैत्री मिनिस्टर, लॉन्च्ड बाय मैत्री मिनिस्टर, कौन है मैत्री, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, ठीक। कौन है मिनिस्टर, रविशंकर प्रसाद जी है अभी मिनिस्टर। अब ये जो 50,000 crore का इन्वेस्टमेंट है कहां पर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम 2.0 में। अब ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शंस को इंडिया में बढ़ावा देगा, ताकि इंडियन गवर्नमेंट ने जो टारगेट सेट कर रखा है, $1 trillion डिजिटल इकोनॉमी एंड $5 trillion GDP, ये आपका डिजिटल इकोनॉमी का टारगेट है गवर्नमेंट का, और ये आपका GDP टारगेट है। ये दोनों टारगेट जो सेट किया गया है, अचीव करने का टारगेट डेट है, ईयर है 2025 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड किया है $1 trillion डिजिटल इकोनॉमी बनना चाहता है, और $5 trillion का GDP वाला इकोनॉमी बनना चाहता है। तो ये स्कीम डेफिनेटली हेल्प करने वाला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपना टारगेट क्या करने के लिए, अचीव करने के लिए। अब नेक्स्ट चलते हैं, Who heads the experts committee on rationalization of film media units and units and on review of autonomous bodies that has submitted its report to Ministry of Information and Broadcasting? ठीक, तो कौन इस पर्टिकुलर कमिटी के हेड हैं? अब सारा चीज तो लिख दिया गया है, कमिटी के हेड हैं बिमल जुल्का, याद रखिएगा। रैशनलाइजेशन ऑफ फिल्म मीडिया यूनिट्स एंड ऑन रिव्यू ऑफ ऑटोनोमस बॉडीज, दो कमिटी है ये, एक रैशनलाइजेशन ऑफ फिल्म मीडिया यूनिट्स, दूसरा है ऑन रिव्यू ऑफ ऑटोनोमस बॉडीज। ये दोनों कमिटी के हेड कौन थे, बिमल जुल्का, याद रखिएगा। अब अगर ऑप्शन डी की बात करें, राजनाथ सिंह जी कौन से मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर इंडिया के हैं। अब ये भी रिसेंटली एक कमिटी के हेड रहे हैं, कौन से कमिटी के ना, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली डिक्लेयर किया था 3 lakh crore MSME loans collateral free, MSME loans जो collateral free रहेंगे 3 lakh crore के, जो distribute होगा, जो difficulties पाया जा रहा है उसे प्रॉपरली इंप्लीमेंट करने के लिए जो कमिटी बनाया गया है उसके हेड रहेंगे कौन, राजनाथ सिंह, ठीक। 3 lakh crores MSME लोन्स जो कोलैटरल फ्री दिए जाएंगे MSME सेक्टर में,
अब उसके इम्प्लीमेंटेशन में जो चूक रह रही है, जो प्रॉब्लम रह रही है, डिफिकल्टी रह रही है, उसे सॉल्व करने के लिए कौन सा कमेटी? राजनाथ सिंह कमेटी। ठीक। अब कुरेशा अब्दुल करीम, इनकी अगर बात करें तो ये रिसेंटली इन्हें एक अवार्ड दिया गया है। कौन सा अवार्ड? क्रिस्टोफी मेरियक्स प्राइज दिया गया है। क्रिस्टोफी मेरियक्स प्राइज दिया गया है। अब बेसिकली बिलोंग करते हैं साउथ अफ्रीका के हैं ये। ठीक। साउथ अफ्रीका के एचआईवी रिसर्चर्स हैं। एचआईवी एड्स जो आपका बीमारी है उसका रिसर्च कंडक्ट करते हैं। और कौन से कंट्री के हैं? साउथ अफ्रीका के हैं। अब इन्हें एचआईवी रिलेटेड रिसर्च के लिए क्रिस्टोफी मेरियक्स प्राइज 2020 रिसेंटली दिया गया है। ठीक। अब टीवी मोहनदास पाई भी रिसेंटली न्यूज में है। किस लिए? नहीं, ये भी एक कमिटी के हेड बनाए गए हैं, चेयरमैन ऑफ द एडवाइजरी कमिटी ऑन सर्विस प्रोवाइडर ऑफ IBBI इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के जो एडवाइजरी कमिटी ऑन सर्विस प्रोवाइडर है, उस कमिटी के चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। चेयरमैन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर कमिटी ऑफ IBBI। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे ऑफ इंडिया विच इज लाइकली टू बी कंप्लीटेड बाय 2021। अब आंसर क्या रहेगा हमारा? सीधा ही क्वेश्चन है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो कि इंडिया का लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे ये बनेगा। याद रखिएगा, ये कंप्लीट हो जाने के बाद 2021 के बाद दिस विल बी द लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे इन इंडिया। कहां पे ये है? उत्तर प्रदेश में मौजूद है। ठीक। अब और फाउंडेशन स्टोन इसका दिया गया था 2018 में। ठीक। बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन वाज वर्ल्ड बाइसाइकिल डे ऑब्जर्व्ड एनुअली? वर्ल्ड बाइसाइकिल डे कौन से डेट पर ऑब्जर्व किया जाता है? तो आंसर क्या है हमारा? June 3। ठीक। बाकी June 1 हमारा सेलिब्रेट होता है वर्ल्ड मिल्क डे, और एक डे भी मनाया जाता है ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, भी इसी दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो दो चीजें यहां पर रहा, वर्ल्ड मिल्क डे भी June 1 पर, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स भी June 1 पर। बाकी June 4 अगर जाएं तो इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रेन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन। ठीक। इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रेन्स विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन मनाया जाता है कौन से डेट पर? June 4 पर। अब June 2 की अगर बात करें, इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे, इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है कौन से डेट पर? June 2 पर। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हु ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड द ड्राई फास्टिंग मिरेकल फ्रॉम डिप्राइव टू थ्राइव?
इस बुक के ऑथर कौन है? तो आंसर क्या रहेगा हमारा? लुक कुटिनो, लुक कुटिनो। एंड ये इकलौते ऑथर नहीं है, इनके साथ और भी एक को ऑथर है, शेख अब्दुल अजीज। याद रखिएगा, को ऑथर इस बुक के है शेख अब्दुल अजीज। ठीक, अब दूसरे ऑप्शन पे आते हैं। अगर आएंगे हम मनुषी छिल्लर पे, तो ये 2017 की मिस इंडिया विनर हैं और अभी फिलहाल ये अपॉइंट की गई हैं ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एडिडास। ये जो एडिडास कंपनी है, स्पोर्ट्स कंपनी है, स्पोर्ट्स बेस्ड कंपनी है, उसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है। साथ ही साथ यूनिसेफ का जो ग्लोबल इनिशिएटिव चल रहा है अभी, जिसका नाम है #RedDotChallengeCampaign जो चल रहा है यूनिसेफ का, उसमें भी ये ज्वाइन हुई हैं। ठीक, अब वीरेंद्रनाथ दत्त, अभी ये भी रिसेंटली न्यूज़ पे थे, अपॉइंट हुए न्यू CMD ऑफ NFL, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के चेयरमैन एंड MD बने। कौन? वीरेंद्रनाथ दत्त। कृतिका पांडे की बात करें, अगर कृतिका पांडे को 2020 का कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज अवार्ड दिया गया। कौन सा प्राइज? 2020 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज, और ये प्राइज उन्हें एशिया रीजियन के लिए मिला है, कंप्लीट वर्ल्ड के लिए नहीं, एशिया रीजियन के लिए उन्हें कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज दिया गया है। शॉर्ट स्टोरी का नाम है द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक्स। बुक का नाम है द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक्स। ठीक, इस पर्टिकुलर शॉर्ट स्टोरी के लिए उन्हें दिया गया कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 फॉर एशिया रीजियन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बासु चैटर्जी पास्ड अवे रिसेंटली इज अ रेनाउंड व्हाट? अब बासु चैटर्जी ये बहुत ही जाना पहचाना नाम है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एज अ फिल्म डायरेक्टर। ये बोथ हिंदी एंड बंगाली दोनों लैंग्वेजेस में फिल्में बनाया करते थे या डायरेक्ट करते थे। अब बाकी जो ऑर्बिचुअरीज है इस वीक में वो भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं यहीं पे। म्यूजिक डायरेक्टर एक रिसेंटली बहुत ही जाने पहचाने पास्ड अवे हुए हैं, नाम है वाजिद खान। साजिद वाजिद का जो जोड़ी है बहुत ही हिट म्यूजिक्स इंडियन सिनेमा में जो दे चुकी है, अब वो नहीं रहे। कौन? वाजिद खान। अब दूसरे एक लिरिसिस्ट भी गुजर गए हैं रिसेंटली, जिनका नाम है योगेश गौर। याद रखिएगा नाम, योगेश गौर, लिरिसिस्ट जो रिसेंटली गुजर गए, म्यूजिक डायरेक्टर है वाजिद खान। अब स्प्रिंटर की बात करें, अगर बॉबी मैरो रिसेंटली पास्ड अवे किए, USA के स्प्रिंटर हैं, ये रिसेंटली गुजर गए। क्रिकेटर्स की बात अगर करें तो पाकिस्तानी क्रिकेटर रियाज शेख, ठीक, पाकिस्तानी क्रिकेटर रियाज शेख रिसेंटली गुजर गए। ठीक, पाकिस्तान के। अब क्रिकेट से याद आया, रिसेंटली एक श्रीलंकन क्रिकेटर को ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट से बैन किया गया है इलीगल ड्रग्स अपने पास रखने के लिए।
श्रीलंकन क्रिकेटर हु हैज बीन सस्पेंडेड फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट ड्यू टू इलीगल पोजेशन ऑफ ड्रग्स. नाम है स्नेहन मधु शंका. ठीक, स्नेहन मधु शंका, याद रखिएगा नाम. श्रीलंकन क्रिकेटर जो कि बैन किए गए हैं या सस्पेंड किए गए हैं ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट ड्यू टू द इलीगल पोजीशन ऑफ ड्रग्स. वैसे ही और एक एथलीट भी बैन हुई है जिनका नाम है किरणजीत कौर. ठीक, किरणजीत कौर को बैन किया है किसने, वाडा ने, 4 साल के लिए, फॉर 4 years, फॉर वायोलेटिंग द एंटी डोपिंग पॉलिसीज. एंटी डोपिंग रूल्स जो है वाडा का, उसे फॉलो ना करने के लिए 4 साल बैन किया गया है किसे, किरणजीत कौर को. ठीक, अब ऑर्बिचुअरीज पे रिटर्न आते हैं तो जयंती लाल नाओमा, ये भी एक स्पोर्ट्स पर्सन है जो रिसेंटली गुजर गए हैं. रिलेट किससे करते हैं ना, ये आर्चरी स्पोर्ट्स को बिलोंग करते थे. ठीक, और एक ऑर्बिचुअरीज क्या अगर बात करेंगे तो पी नमग्यल रिसेंटली गुजर गए. अब ये 3 times एमपी रह चुके हैं कांग्रेस से, लद्दाख रीजन से, और यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, ये रिसेंटली गुजर गए. ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. विच कंट्री होस्ट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2020? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2020 कौन सा कंट्री होस्ट कर रहा है, तो आंसर क्या है हमारा, जर्मनी. जर्मनी इकलौता होस्ट नहीं कर रहा है, को होस्ट इस पर्टिकुलर इवेंट में कौन है, कोलंबिया. ठीक, जर्मनी और कोलंबिया मिलके वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2020 होस्ट कर रहे हैं. वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कौन सा है, जून 5th, हर साल जून 5th में ही सेलिब्रेट होता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे. और इस साल का थीम क्या है, बायोडायवर्सिटी. ठीक, इस साल का वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का थीम क्या है, बायोडायवर्सिटी. क्लियर, अब एनवायरनमेंट डे से याद आया, इस वीक में और एक स्कीम भी लॉन्च किया गया था बाय वर्चुअली एक स्कीम लॉन्च किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज. नाम था उस स्कीम का नगर वन. स्कीम का नाम याद रखिए, नगर वन स्कीम लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. पर्पस है नेक्स्ट पांच साल के अंदर अर्बन फॉरेस्ट डेवलप किया जाएगा. याद रखिएगा, नगर वन स्कीम डेवलप कौन कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज. नेक्स्ट 5 साल के अंदर क्या किया जाएगा, अर्बन फॉरेस्ट को बढ़ाया जाएगा. क्लियर, अब रिसेंटली स्विट्जरलैंड भी न्यूज में था आपका, किस वजह से ना, स्विट्जरलैंड ने डेवलप किया है वर्ल्ड्स फर्स्ट डिजिटल ट्रेसिंग ऐप. एप्पल एंड गूगल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नोटिफिकेशन को यूज करके वर्ल्ड्स फर्स्ट डिजिटल ट्रेसिंग ऐप. ठीक है, किसका किसका एक्सपोजर ना, आपका गूगल और एप्पल का एक्सपोजर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके इसे उसने बनाया है. पहला कंट्री स्विट्जरलैंड.
अब साउथ सूडान भी रिसेंटली न्यूज पे था, किस वजह से ना, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने साउथ एक्सटेंड किया है साउथ सूडान का इंडिविजुअल सैंक्शंस, ट्रैवल बैन, आर्म्स एम्बार्गो, कब तक? 2021 मई तक, ठीक, मई 2021 तक ट्रैवल बैन प्लस आपका आर्म्स एम्बार्गो प्लस इंडिविजुअल सैंक्शंस पे बैन लगाया है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने, कब तक? 2021 मई तक, ठीक। सो थैंक यू गाइस, दिस इज इट फॉर दिस वीक। आई होप यू ऑल लर्न्ड समथिंग बियॉन्ड व्हाट यू एक्सपेक्टेड। थैंक यू।